राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। कार्तिक का पावन पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक के पावन पवित्र महीने पे आप देख सकते हो ये सब, मतलब तिलक इत्यादि सारी चीजें आप लोग देख पा रहे होंगे। दीपदान कैसे करना है, क्या करना है, ये सब वीडियो में बना चुकी हूँ। लेकिन आज की वीडियो है करवा चौथ की। आप लोग शॉपिंग करने के लिए जा रहे होंगे, करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए जाए तो घर पे क्या क्या लेके आए, आज की वीडियो इसी पे आधारित है। नंबर एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज सबसे पहले जो आपको लेके आनी, पहले आपको बता दूं कि करवा चौथ 1 नवंबर का है। उदय तिथि के अनुसार जो चौथ तिथि का प्रारंभ हो रहा है वो 1 नवंबर को हो रहा है। तो 1 नवंबर को पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में है। चांद निकलने का जो मुहूर्त है वो 8:26 है। देश काल परिस्थिति के अनुसार थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना। मोटा मोटा मैंने आपको ये अभी आपको बता दिया। करवा चौथ की जब शॉपिंग करने के लिए जा रहे होंगे, जो कि प्रारंभ भी हो चुकी होगी, तो आप एक रजनीगंधा का पौधा जरूर लेके आए। नंबर 1 पे रजनीगंधा का पौधा लेके आइए। रजनीगंधा का पौधा आपसी प्यार को बढ़ाता है, आपके और आपके पति का जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग करने में रजनीगंधा का जो पौधा होता है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप एक रजनीगंधा का पौधा लेके आओ। नंबर 1 पे रजनीगंधा है। नंबर 2 पे जो पौधा आप लोग को लेके आना है वो लेके आना है आंवले का पौधा। आंवले पे भगवान विष्णु का वास माना जाता है और कार्तिक के महीने में अगर आप आंवले का पौधा लेके आओगे और विष्णु भगवान से प्रार्थना करोगे कि आपके पति की दीर्घ आयु हो, तो आपको उसका बहुत मन वांछित रिजल्ट मिलने वाला है। नंबर 3 और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको जो सामान लेके आना है वो आना है अपने पति के लिए इत्र। परफ्यूम की बात नहीं कर रही, परफ्यूम का आदान प्रदान नहीं करते, लेकिन पहले जमाने से ही ये परंपरा चली आ रही है कि इत्रों का गिफ्ट दिया करते थे। गुलाब का इत्र आपको अपने पति को उपहार में देना है। आपका पति भी आपको गुलाब का जो इत्र है वो उपहार में दे सकता है, जो कि बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। नेक्स्ट आपको जो चीज लेके आनी है वो है, मतलब गुलाब का इत्र आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा। इत्र लगाने का सही प्रोसीजर, आपको हाथ की कलाई पे इत्र लगाना होता है और कान के पीछे इत्र लगाना होता है, ये सही प्रोसीजर है। हमारे बाकी बिहारी जी भी रोज इत्र सेवा होती है, लड्डू गोपाल की भी रोज इत्र सेवा होती है, तो एक छोटा सा इत्र आप अपने हस्बैंड को उपहार में दे सकते हो, आपके हस्बैंड आपको उपहार में दे सकते हैं। तीसरी चीज, हस्बैंड को खिलाने के लिए पान आप अवश्य लेके आए। पहले जमाने में जो पान होता था वो प्यार का प्रतीक माना जाता था, क्योंकि पान के पत्ते की जो शेप होती है वो दिल के शेप में होती है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कुछ ऐसा शेप होता, तो पान का पत्ता नहीं लेके आना। मीठा पान, बिना तमाकू वगैरह के मीठा पान आपको लेके आना है। और जो कि चांद निकलने के बाद अपने हस्बैंड को कोई मिठाई वगैरह खिलाते तो आप पान भी खिला सकते हो, और उसमें से आधा पान अगर आप खुद भी खाओगे तो ये बहुत ज्यादा शुभ संकेत माना जाता है। इससे आपके और आपके हस्बैंड का जो रिलेशनशिप है वो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोला जाता है। नेक्स्ट सामान जो आपको करवा चौथ पे लेके आना है, अब मैं उसकी लिस्ट बता देती हूँ। ये तो एडिशनल में आपको लेके आने, बाकी तो आपको करवा वगैरह जो आपकी पूजा सामग्री होती है वो आपको लेके आनी होती है। 16 सामग्री में से बिछुए आपको अवश्य लेके आने। इस दिन हमेशा नए बिछुए पहनने चाहिए। कांसे के अगर आपके घर पे रूल्स रेगुलेशन है तो कांसे के पहनने चाहिए, चांदी के रूल्स रेगुलेशन है तो चांदी के बिछुए इस दिन जरूर और जरूर और जरूर धारण करना चाहिए। साथ ही के साथ गुलाब का जो फूल होता है उसकी पूजा अर्चना करके करवा माता को भेंट स्वरूप देकर उसके बाद वो गुलाब का फूल अपने हस्बैंड को भी भेंट स्वरूप दिया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा, जिसके परिणाम बहुत सुखद होते हैं। 16 सामग्री का इंतजाम आप पहले कर लीजिए, जो 16 श्रृंगार का सामान होता है वो पहले कर लीजिए। सास के लिए बयाना वगैरह जो निकालते हैं उसमें पहले निकाल दीजिए। 16 श्रृंगार ना निकाल पाओ तो आप कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर निकालनी। नंबर 1 मेहंदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नंबर 2 सिंदूर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नंबर 3 बिंदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नंबर 4 लिपस्टिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और नंबर 5 बिछुए। ये बिछुए और अलता, ठीक है ना, ये 5-6 चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो कोशिश कीजिए सब कुछ हो उसमें, काजल हो, बिंदी हो, लिपस्टिक हो, लाली हो, जो नेल पॉलिश हो, जो भी है, लेकिन ये 5 चीजें लाना बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होता है और इसके रिजल्ट भी बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं। अपने सास के लिए आप जो 16 श्रृंगार का सामान माता करवा को चढ़ाती हैं उसमें से श्रृंगार का सामान आप खुद भी कुछ रखिए 1 या 2, बाकी वो आप अपनी सास को भी भेंट स्वरूप इत्यादि दे सकती है। करवा चौथ वाले दिन किसी को भी अगर आप दान देना चाहते हो तो लाल चीजों का दान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल गुड़ का दान आप दे सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी लाल फ्रूट्स का, जैसे कि सेब का दान आप दे सकते हैं। तो ऐसी लाल चीजों का दान देने से आपका जो आपके हस्बैंड का रिलेशनशिप है वो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है।
करवा चौथ वाले दिन अगर आप चांदी अपने हस्बैंड को गिफ्ट करते हो, चांदी का चल्ला आप खुद पहनिए, चांदी का चल्ला अपने हस्बैंड को पहने, तो आपका शुक्र स्ट्रांग होता है और आपकी लग्जूरियस जो लाइफ होती है उसमें फायदा देती है। करवा चौथ वाले दिन दूध डाल के पानी में स्नान करने से आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है और आप चंद्रमा स्ट्रांग होता है, जो कि बहुत ज्यादा शुभ संकेत माना जाता है। आशा करती हूँ कि आप करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए जाएंगे तो ये सारा सामान जरूर लेके आएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, राधे राधे, हरे कृष्णा।